हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बीजी इलाहाबादी में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आइए, आज मैं अपना नया किचन दिखाती हूँ। ये मेरा किचन है, ये देखिए मैंने चिमनी लगवाई है। ये पूरा मेरा किचन देख लीजिए, गणेश जी की पूजा करिए। और ये मेरा छोटा सा किचन है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा किचन। और इसी किचन में आज मैं आटे का हलवा बनाऊँगी। आटे के हलवा कैसे बनता है उसको मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये एक कटोरी आटा है और ये कढ़ाई है। इसमें मैं 4 चम्मच से 6 चम्मच घी डालूँगी। देसी घी है। एक कटोरी के लिए 6 चम्मच भर के ये हमारा घी हो गया। और इसमें अब मैं एक कटोरी ये आटा, गेहूं का आटा है, इसका मैं हलवा बनाऊंगी। इसको भी बनाने के लिए काफ़ी अपने तरीके होते हैं, आज मैं अपने तरीके से आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए मेरा आटे का हलवा ये मैंने भूज लिया है अच्छी तरीके से। इसी तरह बेसन का भी बनता है और सिंघाड़े के आटे का भी बनता है, माप यही रहेगा। ठीक है, अभी भूज गया है। अब इसमें मेरे ये आधी कटोरी, जिस कटोरी से आटा लिया था मैंने आधी कटोरी चीनी डालना है। जिसको हल्का खाना है और कम कर दें, और इसी कटोरी से आप पानी डालें। ड्राई फ्रूट डाल लीजिए। हमको माता रानी का भोग बनाना है, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हलवा बना रही हूँ।